चीज़ें वक्त के साथ लगातार बदलती रहती हैं उनमें कपड़ा सबसे अहम है और कपड़ा ही फैशन ही कहीं ना कहीं बताता है कि अब वक्त बदल रहा है कपड़ा इंडस्ट्री की बात करें तो हमारे देश में कपड़ा इंडस्ट्री इकोनॉमी का एक अहम हिस्सा है मुल्क की कुल जी का चौदह परसेंट और करीब साढ़े तीन करोड़ लोग इस इंडस्ट्री में सीधे तौर पर रोज़गार पाते हैं आज हम इस इंडस्ट्री के बारे में बात करेंगे आज हम बात करेंगे फैब्रिक एंड अपैरल साइंस की फील्ड के बारे में और इसी के लिए हम पहुंचे हैं आज दिल्ली के लेडी इरविन कॉलेज में जो कि देश का एक जाना माना कॉलेज है नाजरीन आदाब मैं नदीम अहमद आपका खैर मुकदम करता हूं हमारे खास प्रोग्राम में जिसका नाम है रोज़गार से कामयाबी तक आप जानते हैं कि आपके मुस्तबिल को लगातार बेहतर बनाने की कोशिश हम कर रहे हैं और हर एपिसोड में हम आपको न सिर्फ़ अलग तालीमी मैदान से हमवार कराते हैं बल्कि एक कामयाब शख्सियत से भी आपकी मुलाकात करवाते हैं ताकि उनके नक्शे कदम पर चलकर आप भी कामयाबी की एक नई मिसाल बन सकें एक नई इबारत लिख सकें जैसा कि प्रोग्राम की शुरुआत में ही मैंने आपको बताया था कि हम आज बात करेंगे फैब्रिक एंड अपैरल साइंस की फील्ड के बारे में अगर आप इस फील्ड में इंटरेस्टेड हैं करियर बनाना चाहते हैं इस इंडस्ट्री में तो किस तरह से आप एंट्री ले सकते हैं कौन कौन से कोर्सेज़ अवेलेबल हैं करियर ग्रोथ के चांसेस क्या हैं अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं किस तरह का प्रोफाइल होगा इन सारी बातों पर हम जानकारी देंगे आपको लेकिन मोटे तौर पर एक पैकेज के जरिए फिलहाल समझ लेते हैं कि फैब्रिक एंड साइंस की आखिर है क्या? इंसानी जरूरत के साथ ही किसी दौर के बदलने की अलामत में कपड़े एक मरकजी अहमियत रखते हैं आज कपड़ा इंडस्ट्री हिंदुस्तानी मैशत का अहम हिस्सा है भारत में पहले सिर्फ फैब्रिक प्रोडक्शन किया जाता था लेकिन अब नई टेक्नोलॉजी के आने से इसे तेजी से फरोग हासिल हुआ है अब ये इंडस्ट्री रिसर्च डेवलपमेंट मैन्युफैक्चरिंग और मार्केटाइजिंग जैसी कई कैटेगरीज में काम कर रही हैं। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में आप कई जॉब प्रोफाइल पर रहकर काम कर सकते हैं जिसमें प्रोडक्शन कंट्रोल प्रोडक्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंजीनियरिंग प्रोसेस सेल्स कॉर्पोरेट मैनेजमेंट सुपरविजन वगैरह डिपार्टमेंट्स में काम कर सकते हैं एक टेक्सटाइल इंजीनियर आम तौर पर इंजीनियरिंग प्रोसेस से जुड़ा होता है जबकि अपेरल और गारमेंट्स की डिजाइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग के लिए काम करने वाले प्रोफेशनल्स प्रोडक्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में काम करते हैं अगर आप इस फील्ड में जाना चाहते हैं तो आपके अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स कंप्यूटर स्किल्स एनालिटिकल स्किल्स और प्रॉब्लम सॉल्विंग जैसी स्किल्स होना जरूरी है इसके अलावा चीजों की बारीकियों पर ध्यान देने की सलाहियत लॉजिकल थिंकिंग और क्रिएटिविटी होना भी जरूरी है अगर आप में चीजों की बारीकियों पर ध्यान देने लॉजिकल थिंकिंग और क्रिएटिविटी है तो फैब्रिक और अपेरल इंडस्ट्री की फील्ड आपके मुस्तबिल को रोशनास कराने में एक नुमाया रोल अदा कर सकती है उम्मीद है कि इस पैकेज के जरिए कहीं ना कहीं कुछ हद तक आप समझ गए होंगे कि ये फील्ड दरअसल है क्या अब चलते हैं हमारे अगले सेगमेंट की तरफ जिसमें एक एक्सपर्ट हमारे साथ होंगे और जो कुछ सवाल आपके जहन में हैं उनके जवाब इस सेगमेंट के जरिए आपको मिलेंगे आज हम फैब्रिक एंड अपैरल साइंस की फील्ड में करियर के इमकान पर अहम जानकारी आपको दे रहे हैं और अब हमारे अगले सेगमेंट का वक्त है जिसका नाम है करियर की बात एक्सपर्ट के साथ और इस सेगमेंट में इस टॉपिक पर मजीद बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं लेडी इरविन कॉलेज के डिपार्टमेंट ऑफ फैब्रिक एंड अपैरल साइंस में सीनियर फैकल्टी डॉक्टर माधुरी निगम जी मैम आपका खैर मकदम है हमारे प्रोग्राम में सबसे पहला सवाल आपसे यही कि अगर एक नौजवान इस फील्ड को समझना चाहे तो आप क्या कहेंगे देखिए फैब्रिक एंड अपैरल साइंस जो है ये नॉर्मल डिजाइनिंग कोर्सेज से थोड़ा अलग है इसमें हम बच्चों को डिजाइनिंग के साथ साथ टेक्सटाइल्स और फैब्रिक के पीछे जो टेक्नोलॉजी है उसके बारे में सिखाते हैं बेसिक और टेक्सटाइल बेसिक्स ऑफ टेक्सटाइल्स के बारे में सिखाते हैं बच्चा टेक्सटाइल्स के पीछे जो फिज़िक्स और केमिस्ट्री लगती है उसको समझता है और फिर वो डिज़ाइनिंग की तरफ प्रोसीड करता है तो इस फील्ड में बच्चे को क्रिएटिविटी के साथ साथ अपना साइंटिफिक टम्परामेंट को जाहिर करने का भी मौका मिलता है माधुरी जी आपको क्या लगता है कि अगर कोई स्टूडेंट या कोई नौजवान इस फील्ड में आना चाहता है इंटरेस्टेड है तो उसमें किस तरह के खास स्किल्स होने चाहिए क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए देखिए बेसिकली अगर बच्चे को साइंस की अंडरस्टैंडिंग अच्छी है फिज़िक्स और केमिस्ट्री की अंडरस्टैंडिंग अच्छी है तो उसके लिए ये फील्ड थोड़ा आसान हो जाता है उसका स्कोप बढ़ जाता है और क्रिएटिविटी अगर उसके अंदर है तो उसका स्कोप और अधिक बढ़ जाता है और ये सब्जेक्ट्स पढ़ने के बाद जो बच्चा है सिर्फ डिज़ाइनर या एक टेक्सटाइल एनालिस्ट ही नहीं बन सकता बल्कि उसके पास और भी बहुत सारे स्कोप होते हैं वो मार्केटिंग के अंदर जा, जा सकता है वो मूवीज़ के अंदर स्टाइलिस्ट बन सकता है वो बिजनेसेस में जा सकता है तो बहुत सारे उसके लिए स्कोप खुल जाते हैं जितना उसके अंदर अलग अलग तरह की वेरिएशन है उसके अंदर हमारा मुल्क कपड़ा इंडस्ट्री का एक बड़ा सेंटर है और बहुत बदलाव भी वक्त के साथ आ रहे हैं ऐसे में बदलते हुए ट्रेंड्स ने बदलते हुए फैशन ने इस फील्ड में रोजगार के अवसरों को कितना बढ़ा दिया है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है इंडिया की जो अपने आप को समय के साथ साथ इवॉल्व करती चली आई है तो इस समय आ, मैं कहूँगी कि सस्टेनेबिलिटी या एथिकल आ, फैशन का बहुत ज़्यादा डिमांड है मार्केट में तो उसके हिसाब से स्टूडेंट्स को अपने आप को एडजस्ट करना पड़ेगा सस्टेनेबिलिटी को सीखना पड़ेगा और इस चीज़ के लिए हमने अपने स्टूडेंट्स को मौका दिया है हमारे यहाँ इस तरह के सब्जेक्ट्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं कि बच्चे अपने आप को उस तरीके से इंडस्ट्री के लिए खुद को तैयार कर सकें अगर हम बात करें इस कॉलेज की आपके डिपार्टमेंट की तो आपके डिपार्टमेंट में कौन कौन से कोर्सेज हैं और उनमें एडमिशन का प्रोसेस क्या है जी डिपार्टमेंट ऑफ़ फैब्रिक एंड अपड साइंस में आने से पहले आपका एक फाउंडेशन होना चाहिए जिसमें आपने ग्रेजुएशन की हुई होनी चाहिए होम साइंस में होम साइंस में होम अलग अलग सब्जेक्ट्स होते हैं उनमें से एक सब्जेक्ट होता है फैब्रिक एंड अपैरल साइंस जो आपको एक फाउंडेशन तैयार करता है तो जब आप बी एस होम साइंस करके आते हैं उसमें आप फैब्रिक एंड अपैरल साइंस पढ़ के आते हैं और फिर आप एम एस सी फैब्रिक एंड अपैरल साइंस में एडमिशन लेते हैं जो कि हमारा डिपार्टमेंट है और आ, उसमें आने के लिए दो तरीके से एडमिशन हो सकता है अब अगर हमारा स्टूडेंट लेडी एवं कॉलेज से पढ़ के आया है और उसने ऑनर्स किया है तो मेरिट बेसिस पर उसका एडमिशन हो जाता है और बाकी स्टूडेंट्स का एंट्रेंस के बेसिस पर एडमिशन होता है माधुरी जी सीट्स कितनी हैं और इस कोर्स के बाद करियर में ग्रोथ के चांसेस कितने हैं अपॉर्चुनिटीज कितनी हैं जी इस समय हमारे पास लगभग सत्ताईस अट्ठाईस सीट्स होती हैं और यहाँ से निकलने के बाद स्टूडेंट्स के पास बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं जैसा कि मैंने आपको बताया जो बच्चे क्रिएटिव होते हैं वो डिज़ाइनिंग फील्ड में जा सकते हैं टेक्सटाइल की डिज़ाइनिंग कर सकते हैं वो फैब्रिक फैशन अपैरल की डिज़ाइनिंग कर सकते हैं और इसके साथ साथ होम टेक्सटाइल्स में भी आजकल बहुत स्कोप है आज दे, आप देख रहे होंगे आजकल आ, ट्रेंड है कि लोग घरों की सजावट के ऊपर बहुत ध्यान देते हैं तो होम टेक्सटाइल के अंदर बहुत स्कोप है आजकल और बच्चे ना सिर्फ एक्सपोर्ट हाउसेस में या प्रोडक्शन हाउसेस में जॉब कर सकते हैं बल्कि वो डिज़ाइन स्टूडियोज में काम कर सकते हैं वो अपने स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं वो टेक्सटाइल कंजर्वेशन की फील्ड में भी जा सकते हैं आजकल उसका बहुत स्कोप है और जैसा कि आप जानते होंगे सस्टेनेबिलिटी की आजकल बहुत डिमांड है एथिकल गारमेंट्स की आजकल बहुत डिमांड है तो हम अपने बच्चों को इस तरह तरह से भी तैयार कर रहे हैं कि वो सस्टेनेबल गारमेंट्स के प्रोडक्शन में फैक्ट्रीज में काम कर सकें मैम आपका कॉलेज आपका डिपार्टमेंट नौजवानों को हुनरमंद बनाने में एक अहम रोल अदा कर रहा है ऐसे में स्किल की कितनी इम्पोर्टेंस है और इन कोर्सेज में किन एरियाज पर सबसे ज़्यादा फोकस किया जाता है जी हमारे कॉलेज में अंडर uh, ग्रेजुएशन में और पोस्ट ग्रेजुएशन में कुछ खास कोर्सेज़ पर ध्यान दिया जा, जाता है जिससे बच्चे की ना सिर्फ टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग बल्कि गारमेंट कटिंग गारमेंट कंस्ट्रक्शन गारमेंट डिज़ाइनिंग एक्सेट्रा इसमें एक्सपर्ट हो सके इसके अलावा टेक्सटाइल कंजर्वेशन सिखाई जाती है उनको कंप्यूटर एडेड डिज़ाइनिंग सिखाई जाती है कंप्यूटर एडिड कटिंग एंड पैटर्न मेकिंग सिखाई जाती है तो इन चीज़ों से बच्चे इस तरह से तैयार हो जाते हैं कि वो फील्ड में अलग अलग एस्पेक्ट्स में इंडस्ट्री में जॉब कर सकें अगर हम बात करें लड़कियों की तो यहाँ सिर्फ लड़कियों को एडमिशन दिया जाता है ऐसे में आ, लड़कियों में आमतौर पर इस फील्ड को लेकर कितनी दिलचस्पी देखी जाती है देखिए लड़कियों में क्रिएटिविटी तो बहुत होती है और शुरू में जब ये कोर्स शुरू हुआ था तो सिलाई कढ़ाई बुनाई इन चीज़ों पर ज़्यादा एन्फोसिस था बट धीरे धीरे हम टाइम के साथ इवॉल्व होते जा रहे हैं इंडस्ट्री की डिमांड अलग तरीके की होती जा रही हैं तो इंडस्ट्री में डिज़ाइनिंग को कंप्यूटर के द्वारा अब किया जाता है तो हमने अपने कोर्सेज़ में कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन को इंट्रोड्यूस किया तो उसको लेकर के आ, मैं, मैं समझती हूँ कि लड़कियाँ अब ज़्यादा स्किल्ड हैं और एक मॉडर्न तरीके से चीज़ों का कर पा रहे हैं तो हमारे जो स्टूडेंट्स यहाँ से सीख करके जाते हैं वो इंडस्ट्री में ज़्यादा उनकी एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ जाती है कंप्यूटर एडिड डिज़ाइनिंग के तो ये आप इसी चीज़ से देख सकते हैं कि पिछले कुछ सालों में हमारे यहाँ नंबर ऑफ़ सीट्स को भी बढ़ाना पड़ा क्योंकि लिमिटेड सीट्स थी शुरुआत में और उन सीट्स पर सैकड़ों की तादाद में एप्लीकेशन्स आती थी तो उस डिमांड को देखते हुए धीरे धीरे हमारी सीट्स को भी बढ़ाया गया और हमने अपने स्टूडेंट्स को इस तरह की तालीम देने की कोशिश की कि जो इंडस्ट्री की डिमांड है वो उसको सही तरीके से पूरी कर सकें मैम कोरोना के बाद दुनिया में काफ़ी कुछ बदलाव आए हैं हर इंडस्ट्री में कुछ ना कुछ बदला है इस फील्ड में किस तरह के बदलाव आए हैं क्या टैलेंट की मांग बढ़ी है या घटी है जैसा कि आपको पता होगा कि कोरोना की वजह से हर तरीके के बिजनेसिस पे या प्रोफेशनस पे फ़र्क पड़ है तो इसी तरह फैशन बिजनेस पे भी काफ़ी बुरा असर हुआ फैशन इंडस्ट्री में लगभग सत्ताईस की गिरावट आई और डिमांड काफ़ी कम हुई ना सिर्फ गारमेंट्स की डिमांड कम हुई बल्कि एम्प्लॉयमेंट की भी डिमांड कम हुई लेकिन उसी दौरान फ़ैशन में भी कुछ इस तरीके के चेंजेस आए कि एक अलग तरह की डिमांड बढ़ी लोगों ने घर पर रहना शुरू किया घर से काम करना शुरू किया तो एथलेजर की डिमांड बढ़ी तो उन गारमेंट्स को डिज़ाइन करने के लिए या प्रोडक्शन करने के लिए आप कह सकते हैं कि डिमांड बढ़ी इसी तरह आप देखते होंगे मास्क एक ऐसा आइटम है जो कि नया इंट्रोड्यूस हुआ जो पहले हम काम में नहीं आता था उसकी डिमांड काफ़ी बढ़ी तो मैं ये कह सकती हूँ कि पिछले 2020 में हालांकि फैशन इंडस्ट्री नीचे की तरफ गई थी लेकिन अब उसने ऊपर उठना शुरू किया है और आप ये आप इसी चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 2021 में ऑनलाइन फ़ैशन बिजनेस लगभग डेढ़ गुना बढ़ा है तो हम ये कह सकते हैं कि एक लोअर ट्रेंड के बाद एक अपर ट्रेंड फिर से शुरू हुआ है और फैशन फैशन इंडस्ट्री ग्रो ग्रो कर रही है और साथ ही साथ उसमें एम्प्लॉयमेंट की डिमांड भी दोबारा से ऊपर जा रही है मैम आपको क्या लगता है इंडस्ट्री की मांग के हिसाब से हम टैलेंट दे पा रहे हैं या नहीं डिपार्टमेंट ऑफ फैब्रिक एंड एपेर साइंस में हमेशा से ये कोशिश रही है कि हम इंडस्ट्री की मांग के मुताबिक टैलेंट को रिलीज़ करें ताकि वो इंडस्ट्री के रिक्वायरमेंट के हिसाब से काम कर सकें तो हम समय समय पर अपने कोर्सेज़ को इस हिसाब से मॉडिफाई करते रहते हैं कि बच्चे वो चीज़ सीख करके जाएं जिसकी इंडस्ट्री में डिमांड है जैसे कि रिसेंटली सस्टेनेबिलिटी के ऊपर काफ़ी जोर रहा है ग्लोबली काफ़ी डिमांड रही है एथिकल गार्मेंट्स की काफ़ी डिमांड रही है तो हमारा ये हमारी ये कोशिश रही है कि हम अपने स्टूडेंट्स को इस हिसाब से ट्रेन करके भेजें कि वो फैक्ट्रीज़ के अंदर या बिजनेस हाउसेस के अंदर सस्टेनेबिलिटी एस्पेक्ट को भी एड्रेस कर सकें इसके अलावा रिसेंटली एक ट्रेंड रहा है टेक्सटाइल कन्ज़रवेशन को लेकर म्यूज़ियम्स में टेक्सटाइल कन्जर्वेटर्स की डिमांड है तो हमने उसको लेकर लेकर के भी कोर्स इंट्रोड्यूस किया और हमारे बच्चे टेक्सटाइल कन्ज़रवेटर के रूप में म्यूज़ियम्स में भी काम कर सकते हैं और अब आखिरी सवाल आपसे कि जो नौजवान जो लड़कियाँ इस फील्ड में आना चाहती हैं उनके लिए आपका मैसेज क्या होगा देखिए नौजवानों के लिए मेरे मेरा यही मैसेज रहेगा कि वो अपने ऑप्शंस को ओपन रखें साइंस के साथ साथ क्रिएटिविटी अगर उनमें होगी तो वो हम आ, इस सब्जेक्ट को पढ़ कर के काफ़ी आगे निकल पाएंगे ये एक ऐसा सब्जेक्ट है कि वो ना सिर्फ आपको एक बेसिक ग्रेजुएशन देता है बल्कि इसमें इतने तरह तरह के सब्जेक्ट्स आपको फैब्रिक एंड टेक्सटाइल्स अपैरल साइंस से रिलेटेड ही पढ़ाए जाते हैं कि वो ये नहीं तो वो वो नहीं तो वो कोई ना कोई ऑप्शन लेकर के वो आगे बढ़ सकता है तो अगर बच्चा क्रिएटिव है तो वो डिज़ाइन के एस्पेक्ट को लेकर के आगे बढ़ सकता है और अगर वो साइंटिफिक टम्परामेंट का है तो वो टेक्निकल साइड uh, की तरफ जा सकते हैं मैम बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए वक्त निकालने के लिए हमसे बात करने के लिए तो ये थी माधुरी जी जिन्होंने इस फील्ड पर मज़ीद बात की और मुझे लगता है कि आपको ये सेगमेंट बहुत पसंद भी आया होगा इस फील्ड से रिलेटेड अगर कुछ सवाल जहन में थे उनके जवाब भी आपको मिल गए होंगे फैब्रिक एंड अपैरल साइंस में बहुत चेंजेस आए हैं हमने 1987 में ये इसकी मास्टर्स शुरू करी थी तो इसमें बहुत चेंजेस आए तो वी हैव कॉल्ड यू नो सत्यपाल वी कॉल्ड कॉल रितुमाथ रितु कुमार अलग अलग डिज़ाइनर्स को बुलाया और कंसेपचुअल मॉड थिंकिंग को बुलाया और इंडस्ट्री पार्टनर तो है ही और हमारे यहाँ अब टीचर्स रिसर्च करते हैं कि कार्बन फुटप्रिंटिंग कैसी है ओखला गारमेंट इंडस्ट्री में या त्रिपूर में या पंत नगर के पास जो फैक्ट्रीज़ हैं वहाँ जा कर के कि उनकी कार्बन फुटप्रिंटिंग कैसी है पानीपत सोनीपत तो उनकी कार्बन फुटप्रिंटिंग को कैसे कार्बन लेवल को कैसे कम करना है तो अब हम सस्टेनेबल टेक्सटाइल्स पे ज़ोर से काम कर रहे हैं और हमारी दो तीन टीचर्स यू बॉडीज़ में पॉलिसी मेकिंग पे अब वो डिसीजनस ले पा रही हैं सो so, एक तो ये है कि हम सस्टेनेबल टेक्सटाइल्स पर काम करते हैं आपने किस सोच के साथ और आ, किस मकसद के साथ ये फील्ड चुनी है और कुछ सालों के बाद आप अपने करियर को कहाँ देखती हैं पहले तो मैंने लाइक ये होम साइंस कॉलेज था तो हमने होम साइंस की देन उसके बाद हमारा स्पेशलाइजेशन फास्ट डिपार्टमेंट में हुआ है एम एस इन फ़ास्ट तो उसमें हमें काफ़ी इंडियन टेक्सटाइल के बारे में पढ़ाया जाता है फैब्रिक के बारे में पढ़ाया जाता है टेप टू लेके एंड कैसे फैब्रिक बनता है और क्या क्या उसमें चीज़ें हैं और इसमें खादी है इंटरेस्टिंग सारी चीज़ें हैं इसलिए मेरे को और फैब्रिक फैशन इंडियन फैशन में काफ़ी इंटरेस्ट सब्जेक्ट कितना फर्क पड़ा है पढ़ाई में प्रैक्टिकल्स ना होने की वजह से आपको क्या लगता है कितनी दिक्कत है वैसे दिक्कत तो बहुत सारी है Uh, क्योंकि हमारे प्रैक्टिकल्स हैं जो फैस सब्जेक्ट है वो मोस्टली प्रैक्टिकल पे बेस्ड होता है लेकिन हमारे टीचर काफ़ी ज़्यादा डिजिटलाइज और मतलब कोशिश करते हैं कि कभी कभी एक आध प्रैक्टिकल रख ले जिसमें वो काफ़ी मेन मेन चीज़ें बता पाए हमको और ऑनलाइन वीडियोस और सोर्सेज़ की वजह से काफ़ी हेल्प हो जाती है बट ऑफलाइन प्रैक्टिकल तो ऑफ़लाइन प्रैक्टिकल होते हैं अब चलते हैं हमारे अगले सेगमेंट की तरफ जिसमें हम आपको बताएंगे कि इस वक्त नौकरियों के और एडमिशन्स के ऑप्शन कहाँ कहाँ खुले हुए हैं कहाँ कहाँ आप जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं और कहाँ कहाँ आप फिलहाल एडमिशन ले सकते हैं अभी आपने देखा कि कहाँ कहाँ नौकरियों की और एडमिशन्स के ऑप्शन खुले हुए हैं आई एम श्योर ये सेगमेंट आपको पसंद आया होगा और ये आपके लिए काफ़ी यूजफुल भी होगा अब चलते हैं हमारे अगले सेगमेंट की तरफ जिसमें हम आपको आज की हमारी कामयाब शख्सियत से मिलवाएंगे और आज की हमारी कामयाब शख्सियत हैं आईसीएसआई के प्रेसिडेंट सीएस नागेंद्र डी राव तो चलिए देखते हैं कैसा रहा सीएस नागेंद्र डी राव का कामयाब सफर कामयाब हिंदुस्तान के हमारे सेगमेंट के तहत आज हम आपको रूबरू कराने वाले हैं जिस कामयाब शख्सियत से वो हैं आईसीएसआई के प्रेसिडेंट सीएस नागेंद्र डी राव जी नागेंद्र जी नमस्कार सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपने मुंबई यूनिवर्सिटी से एज़ अ लॉ स्टूडेंट पास आउट किया और वहाँ से लेकर आई के प्रेसिडेंट आप बने ये लंबा सफ़र कितना उतार चढ़ाव आपने देखा कितना स्ट्रगल किया आ, मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ और एक मिडिल क्लास फैमिली का जो आ, तनाव खिंचाव रहते हैं और इसके साथ में एक प्रोफेशनल कोर्स करना और उसके साथ में मुंबई जैसे शहर में एक मिडिल क्लास फैमिली जो है जो अगर मैं एक एक सिटी एक डोंबिवली करके एक सिटी में से आता तो जो ए, मुंबई में नहीं है लेकिन वो एक थाना डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है तो हम ये कोर्स करने के लिए हमारा मुंबई में ऑफिस हुआ करता था तो हम सवेरे मुझे अभी भी याद है कि हम पाँच पचपन पचपन का एक ट्रेन पकड़ते थे साढ़े सात बजे हम लॉ करते थे साढ़े सात बजे नौ बजे तक पढ़ते थे लॉ और उसके बाद में हम कंपनी में भागते थे ताकि हम क्योंकि मैंने पहले ही बताया था आपको मैं मिडिल क्लास से बिलोंग करता हूं और ये करने के बाद में आठ घंटे काम करने के बाद में रात को आना और बाद में रात को पढ़ना नहीं तो सुबह तीन बजे चार बजे उठ के पढ़ना तो आपको पता ही होगा कि एज ए प्रोफेशनल कि एक ए, एक लड़का जो एक कुछ कुछ हासिल करने की ओर जा रहा है एक प्रेसिडेंट इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज का बना है तो उसका मतलब ये है कि डेडिकेशन परसुएशन और अपना एफर्ट्स देना होता है नहीं होता है वो दूसरी बात है लेकिन एक कोशिश करना जैसे हिंदी में एक कहावत है कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती वैसे ही कि आगे बढ़ने के लिए हम अगर हम कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली वो कोई भी विद्यार्थी हो या मेरे जैसे मध्यम वर्ग का कोई भी विद्यार्थी हो डेफ़िनेटली कोई भी आ, काम कर सकता है क्योंकि मैं कॉलेज एलएलबी और सीएस ये तीनों ही एक ही साथ में मैंने किया है तो इसके लिए मुझे एज ए मिडिल क्लास पर्सन मुझे गर्व फील होता है और मैं एक छोटे गांव से आया हूँ तो मुझे थोड़ा और गर्व होता है कि आज मैं एक छोटे से एक, एक लड़का एक इंस्टीट्यूट का एक प्रेसिडेंट बना है तो ये सचमुच कि भगवान की एक आशीर्वाद माँ पिता जी का उनका भी आशीर्वाद है कि मैं इस आ, इस इस तक पहुँचा हुआ हूँ जी तो कड़ी मेहनत और लगन के साथ आपने आप इस पोजीशन तक पहुँचे हैं और ICSI के प्रेसिडेंट आप बने हैं काफ़ी लंबा आपका एसोसिएशन रहा है इस इंस्टीट्यूट के साथ तो आपको आप क्या समझते हैं कि क्या इसका कंट्रीब्यूशन रहा है इस इंस्टीट्यूट का नेशन बिल्डिंग में आज एज ए प्रेसिडेंट हो या एज ए प्रोफेशनल हो मैं जो भी हूँ ये इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज के तहत बनाया बना हूँ तो मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि मैंने एज ए स्टूडेंट कि मैंने ये कोर्स लिया ताकि मैं आज जो आ, जो पद तक मैं पहुँचा हूँ ये सिर्फ इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज के वजह ही पहुँचा हूँ तो आ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे जो कोर्स uh, करिकुलम uh, 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 है हमारे जो uh, uh, जो गाइडेंस है जो इंस्टीट्यूट के बुक्स हैं वो वो काफ़ी है अगर अच्छे से हम अगर पढ़ सकें एक्सपीरियंस्ड अगर कोई प्रोफेशनल आपको गाइड कर सके तो आप हंड्रेड परसेंट एक अच्छे प्रोफेशनल बन सकते हो जी Uh, साथी uh, सर कहा जाता है कि किसी कामयाब इंसान के पीछे किसी न किसी शख्स का इंसान का हाथ होता है तो आप अपने कामयाबी का क्रेडिट किस देना चाहेंगे मैं मेरा मेरे, मेरे क्रेडिट चार जन को देना चाहता हूँ okay. पहले मैं मेरी दादी को क्रेडिट देना चाहता हूँ दूसरी क्रेडिट मैं मेरी माता को देना चाहता हूँ और तीसरा क्रेडिट मैं मेरे पिताजी को देना चाहता हूँ मुझे अभी भी याद है कि मैं तीन बजे चार बजे दो बजे मैं अब उठ के पढ़ाई करता था मेरे वजह से मेरे पिताजी मेरे लिए चाय बना के वो भी दो बजे उठ के मुझे बना हेल्प करते थे सपोर्ट करते थे तो मेरे दादाजी मेरी मेरी दादी जी मेरे पिताजी और मेरी माता जी इनका सबसे ज़्यादा श्रेय है मेरी माँ हो सकती है दादी हो सकती है दादी हो सकती है उन वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं लेकिन जो उन्होंने जो एथिकल वे जो मुझे पाठ पढ़ाया है घर में जी। या जो मुझे उन्होंने संस्कार दिए हैं जो मेरे माता जी और, और पिताजी ने वो मैं कभी ही भी भूल नहीं सकता क्योंकि मुझे लगता है कि जो ऊर्जा उन्होंने मेरे अंदर कुछ करने की जो प्रेरणा जागृत किए है वो मुझे नहीं लगता कोई और कर सकता है और हमारे हालात जो थे तभी एक मिडिल क्लास कैसे प्रोफेशनल बनेगा नहीं बनेगा कैसे वो टाइम में काम भी करना है और और पढ़ाई भी करना है तो कैसे हमको एजुकेशन या हो या मोटिवेट कर सकें इंथोजियाज़म कर सकें कि आप कर सकते हो बहुत ज़रूरी चीज़ होती है फैमिली सपोर्ट था मोटिवेशन था आपकी दादी माँ और पिताजी ने आपको पूरी तरह से सपोर्ट किया सर uh, आपने सेंट्रल टैक्सेस कॉर्पोरेट लॉज और जीएसटी कमेटी में खास योगदान दिया है जिसके लिए आपको बहुत सारे अवार्ड्स भी मिले हैं तो इन अवार्ड्स को लेकर के आप क्या कहेंगे देखो अवार्ड्स एक वैल्यू और वैल्यूज क्रिएट करता है ताकि आ, वैल्यू और वैल्यूज हम इंडिविजुअल के भी नहीं लेकिन संस्थान के लिए भी होता है कि हम ना कि सिर्फ कंपनी लॉ बल्कि ऑल अदर लॉज वो इनकम टैक्स हो सकता है जीएसटी हो सकता है तो एक एक ऐसा लगता है कि कि कंपनी सेक्रेटरीज जो है कि सिर्फ कंपनी लॉ ही देखता है ऐसे नहीं है हम कंपनी लॉ जो है कंपनी सेक्रेटरीज जो है हमारे सिलेबस में बहुत सारे लॉज हैं इंक्लूडिंग इनकम टैक्स जी सेंट्रल एक्साइज कस्टम्स तो हम जबी uh, हम uh, uh, हम एज ए कंपनी सेक्रेटरीज सिर्फ हमारे क्षेत्र में ही रिस्ट्रिक्ट ना हो बल्कि वी हैव टू स्प्रेड अवर विंग्स टू द अदर फोल्ड और मैंने भी वो किया कि नॉट नेसेसरी ओनली कंपनी लॉ अदर एरियाज आल्सो आई एडवेंचर्ड बाय वर्च्यू ऑफ विच आई हैव गॉट सर्टन रिकग्नेशन वैल्यू फॉर दर्पज ऑफ बींग इन गिविंग गुड बैक टू सोसाइटी एट लार्ज और नेशन एज द केस में बी बिकॉज वी आर मीटिंग वेरियस मीटिंग्स टेक्स प्लेस सो यू गिव योर कॉन्ट्रीब्यूशन फॉर द डेवलपमेंट एंड एट द एंड इट इज़ डेवलपमेंट ऑफ द नेशन जी तो जैसा कि आप बता रहे हैं आप तो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि आई IC, सी uh, को आगे बढ़ाने के लिए लेकिन uh, क्या कुछ ऐसी ख्वाहिश है जो कि आप चाहते हैं कि आपके टेन्यर में आप होते देखना चाहते हैं इस इंस्टीट्यूट में मैं जब भी प्रेसिडेंट uh, 2021 जनवरी 19 को बना बहुत सारे ख्वाहिश हैं बहुत सारे ड्रीम्स हैं कि एज ए प्रेजिडेंट एक साल के कार्यकाल में ज़्यादा से ज़्यादा और ब्रांड बिल्डिंग हो सकता है या नए नए रिकोगनीशन हो सकते हैं हमने बहुत सारे ये साल में रिकोगनीशन हमको मिले हैं और मैं बहुत ही भाग्य मानता हूँ मेरे, मेरे 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 लिए कि एज ए प्रेजिडेंट और मेरे सभी सिक्सटी सिक्स थाउजेंड मेम्बर्स के लिए क्योंकि मेरे कार्यकाल में कि uh, बहुत सारे नए नए रिकोगशन आए हैं यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने हमको एक नया एकेडमिक एकेडमिक एकेडेमिक दिया है कि हमारे वी आर कंसिडर्ड कंपनी सेक्रेटरीज आर कंसिडर्ड एज दी पोस्ट ग्रेजुएट सो वी आर वी कैन डू पोस्ट ग्रेजुएट्स वी कैन वी कैन डू पी एच डी एंड वी आर बी कंसिडर्ड एज पोस्ट ग्रेजुएट्स सो देयर फॉर एक ये नया रिकग्निशन है सिमिलरली चार पांच नए रिकोगगनेशन हम एज ए मैं एज ए प्रेसिडेंट वैसे बहुत सारे प्रेसिडेंट हमारे जो आए हुए हैं सभी ने काम किया है तो मुझे लगता है कि ये कोविड के कारण कोविड के टाइम में आ, एक ऐतिहासिक हमने आ, एक एक लक्ष्य है या हमने अचीव किया है कि उस और हमने ब्रांड फॉर एग्जांपल अक्टूबर फोर्थ को हमारे माननीय मंत्री जी मिनिस्टर यूनियन मिनिस्टर ऑफ़ फिनेंस एंड कॉरपोरेट अफेयर्स जो हमारे ही इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज अंडर द एजेस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स तो हमारे ही मंत्री हैं uh, जो हम नंबर थ्री करके बोलते हैं कि कैबिनेट में तो वो हमारे अक्टूबर फोर्थ के फंक्शन में आए और हमारे मेम्बर्स को मार्गदर्शन किए हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया आए थे श्री नरेंद्र मोदी जी uh, हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्री uh, 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 कोविंद uh, जी आए थे हमारे इंस्टीट्यूट के लिए तो ये सब जो है ये ब्रांड और रिकोगशन है तो ऐसे ही ब्रांड नए नए ब्रांड नए नए रिकोगनीसन आते रहना चाहिए वो मैं ऐसे ए प्रेजिडेंट या दूसरे कोई नए प्रेजिडेंट जो आने वाले हैं ताकि क्या है कि ये संस्थान है ये इंस्टीट्यूट है तो इंस्टीट्यूट आ, सभी क्योंकि जैसे एक मेंबर बढ़ेगा इंस्टीट्यूट बढ़ेगा इंस्टीट्यूट बढ़ेगा देश बढ़ेगा तो देश बढ़ेगा तो हमारे अंतरराष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल इसमें भी हमारा देश का नाम और रोशन होगा हम उम्मीद करते हैं कि आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा एक नई फील्ड के बारे में हमने जाना कुछ अहम जानकारी हमको मिली अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ एक नई फील्ड के साथ तब तक के लिए खुदा हाफिज